इंडिया स्टार्टअप लॉबी ने गूगल के खिलाफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज की। लेकिन यह सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो चलिए इस स्टोरी को थोड़ा डीप डाइव करके समझते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। सबसे पहले ये लॉबी ग्रुप कौन है? ये है अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, यानी कि ADIF। ADIF एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, खासतौर पर स्टार्टअप्स और न्यूज एज कंपनियों को। अब ADIF का कहना है कि गूगल ने अपने मार्केट डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल किया है। उनका क्लेम है कि गूगल के पास इतनी पावर है कि वो पूरी डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट को कंट्रोल कर सकता है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। गूगल का रेवेन्यू 97% एडवर्टाइजिंग से आता है। मतलब जब भी आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, जो एड्स आपको दिखती है वही गूगल की कमाई का मुख्य स्रोत है। ADIF का एलिगेशन है कि गूगल अपने एड रैंकिंग सिस्टम में कुछ ऐसा करता है जिससे एडवर्टाइज करने वालों को ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। उन्होंने इसे ब्लैक बॉक्स कहा है, मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसका कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ एड्स की बात नहीं है। ADIF का कहना है कि गूगल अपने ही प्रोडक्ट्स को प्रेफर करता है। मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट के लिए सर्च करते हैं तो गूगल मैप्स सबसे ऊपर दिखेगा, या फिर वीडियो सर्च करने पर YouTube रिजल्ट्स प्रायोरिटी में आएंगे। ये प्रैक्टिस दूसरे कॉम्पिटिटर्स को मार्केट एक्सेस मिलने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब आता है एक और इंटरेस्टिंग एंगल, प्राइवेसी सैंडबॉक्स। आपने सुना होगा कि गूगल थर्ड पार्टीज कुकीज को फेज आउट कर रहा है। ये कुकीज वेबसाइट को याद रखने में हेल्प करती हैं कि आप कौन हैं और आपकी प्रेफरेंसेस क्या हैं। गूगल का कहना है कि यह प्राइवेसी के लिए अच्छा है, लेकिन ADIF का कहना है कि इससे सिर्फ गूगल को फायदा होगा, क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स के पास यूजर डेटा इस बड़े लेवल पर अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं बड़ी पिक्चर। इंडिया में एक नया डिजिटल कंपटीशन बिल 2024 प्रपोज हुआ है। इस बिल का मकसद है बिग टेक कंपनियों को रेगुलेट करना। ये बिल गूगल, फेसबुक, अमेजॉन जैसी कंपनियों अपने सर्विसेज को अनफेयर एडवांटेज देने से रोक सकता है। इस बिल में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस। इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी का डेटा दूसरी रिलेटेड कंपनी यूज कर रही है तो दोनों को सेम रूल्स फॉलो करने होंगे। जैसे कि अगर गूगल सर्च का डेटा नेटफ्लिक्स यूज कर रहा है तो नेटफ्लिक्स को भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी जितनी गूगल सर्च को। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो क्या होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे बिग कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स में फंडामेंटल चेंजेस करने पड़ सकते हैं, और अगर रूल्स तोड़े गए तो पेनल्टीज बहुत भारी हो सकती है, अरबों डॉलर तक। जी हाँ, लेकिन ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, दुनिया भर में गवर्नमेंट बड़ी आईटी कंपनियों को लेकर चिंता में है। यूरोपियन यूनियन ने भी ऐसे ही लॉज बनाए हैं, तो ये एक ग्लोबल ट्रेंड बन रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ये सब तो समझ आया, लेकिन इसका हम आम यूजर्स पर क्या असर पड़ेगा? अच्छा सवाल है, चलिए बताता हूँ। अगर ये रेगुलेशन इफेक्टिव होते हैं तो आपको ज्यादा चॉइसेस मिल सकती हैं। मतलब सिर्फ गूगल या फेसबुक ही नहीं, बल्कि नए और इनोवेटिव प्लेटफॉर्म्स भी मार्केट में आ सकते हैं। आपका डेटा ज्यादा सिक्योर हो सकता है, और हो सकता है कि स्क्रीन पर आने वाली टारगेटेड एड्स की बमबारी कम हो जाए। लेकिन हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा रेगुलेशन से इनोवेशन पर ब्रेक लग सकता है। कंपनियां इतनी डरी हुई हो सकती हैं कि वो नए एक्सपेरिमेंट्स करने से ही डर जाएंगी। तो अब हम देखेंगे कि CCI इस कंप्लेंट पर क्या एक्शन लेती है। क्या गूगल को अपने प्रैक्टिसेस चेंज करने होंगे? क्या नया डिजिटल कंपटीशन बिल पास होगा? और अगर होता है तो क्या ये वाकई में डिजिटल लैंडस्केप को चेंज कर देगा? याद रखिए, टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन हम सबको अवेयर रहना चाहिए कि ये कैसे काम करती है। कल फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं आकाश उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जटिल और कॉम्प्लेक्स जानकारी पसंद आई होगी। तब तक के लिए रखिए अपनी आंखें और कान खुले, और हमेशा
सवाल पूछते रहिए। धन्यवाद।